वर्सल की विजरी बाजार में नालियां बंद होने के कारण सड़क पर गंदा पानी भर गया है, जिस कारण स्थानीय व्यापारियों और लोगों को सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को भी कई बार शिकायत की, मगर समस्या का आज दिन तक हल नहीं हुआ। नालियां बंद होने के कारण बरसात का पानी सड़क में रुक जाता है, जिसके कारण यहां महामारी फैलने का भी डर रहता है। लोगों के घरों को जाने वाली पेयजल आपूर्ति की पाइपें भी यहीं से होकर गुजरती हैं, लेकिन विभाग को लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। स्थानीय व्यापारी रमेश चंद का कहना है कि सड़क में पानी भरने से वाहनों द्वारा उछाला गया गंदा पानी उनकी दुकान में पड़ता है, जिस कारण उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारी नरेश कुमार का कहना है कि सड़क में पानी खड़ा होने से उनके घर को जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है। विभाग को लिखित रूप में शिकायत देने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा रिहायशी मकान है ये, और यहाँ पे मैं मतलब रहते भी यहाँ पे ही हैं, घर ही है और शॉप भी करते थे यहाँ पे, लेकिन पानी की प्रॉब्लम आती है। पानी की वजह से सारी दिक्कतें, मतलब आने जाने में भी दिक्कत होती है, अंदर जाने में भी दिक्कत होती है। दो तीन बार विभाग को भी दिया एप्लीकेशन, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो विभाग को आपने किसको एप्लीकेशन दी? सर मैंने PWDJ साहब को एप्लीकेशन दी, दो तीन एप्लीकेशन दे दी पहले भी, और उससे पहले भी मतलब पिछले साल भी एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने एक महीने का टाइम दिया था, अभी दो महीने से ऊपर टाइम हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, परेशानी इसमें है, जब बारिश होती है तो नालियां हमारी दोनों साइड से खराब हैं। ये तो विभाग को कई बार नालियां नहीं बनाते हैं, वो नालियां भरी हुई सारी है, और पानी जो है बारिश का वो इसमें सब सड़क में इकट्ठा हो जाता है नालियों की वजह से। और दुकानदार जो है वो सब परेशान हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जब गाड़ियां आती हैं तो इसके जो इसका जो छींटे जो है वो सब दुकानों में पड़ रहे हैं। ग्राहक जो आ रहे हैं उनको भी परेशान हो रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहा है। तो विभाग बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार विभाग को लिखा भी है, बोला भी है, लेकिन इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जबकि यहां पर सब विभाग हैं, BDO ऑफिस है, तहसील है, बैंक है, दूसरे विभाग और भी हैं, तो इतने विभाग होते हुए भी इतनी दुर्दशा सड़की है कि चलना मुश्किल है यहां पर। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता प्रमोद कश्यप का कहना है कि जल्द ही सड़क पर बनी नालियों को खोल दिया जाएगा, जिससे सड़क पर रुके पानी की समस्या हल हो जाएगी। करवा देंगे हम, तो जैसे मौसम ठीक हुआ तो 2 महीने उसको टेंडर लगा बढ़िया कर देंगे सारा बढ़िया। सर जो भी समस्या है, लोग पानी को अगर थोड़ा सा नाली हटा दें, बिल्कुल उसको अभी हम जो है ना लेबर भेज देते हैं, कल आज ही लेबर का मैं जेई को फोन कर देता हूँ और वो कर देंगे उसको ठीक, जहाँ भी पानी रुका उसको क्लियर कर देंगे सारी नालियाँ। ठीक, और पेचवर्क भी 5 आदमी शुरू करवा देते हैं। नहीं,